ये देखिए, ये सेम है, ये देख ले, अच्छी बीज भी है। और देखिए आज मैंने अपने नाखूनों पे अर्क लगाया है, अर्क लगाना चाहिए, अच्छे लगते हैं। और मसालों में हमारे मसाले वही हैं, दो टमाटर लिए, हरी मिर्चें लिए, हल्दी है, कुटी मिर्चें, नमक है, बस। ये हमारी सब्जी बिल्कुल फ्राई पे आ गई है और बीज भी हमारे गल गए, आलू भी गल गए। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, आपको मिक्स करके दिखाते हैं। मिक्स हरा धनिया मिक्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? हमारे देखने वाले अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप लोगों की दुआ से हम भी ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का सारा काम हो चुका है। अभी इस टाइम मैंने सब्जी ली थी तो मैंने कहा चलें हाथ के सब्जी बना ली जाए, क्योंकि 12 बज गए पूरे और आज हमारा पानी भी ख़त्म हो चुका है। तो पानी वाले को भी फ़ोन करा है, पानी वाला भी अभी आएगा। और मैंने सब्ज़ी ली है, मैंने कहा चले सब्ज़ी बना लेते हैं। आज फिर से मैं बना रही हूँ सेम आलू मतलब सेम अच्छी लग रही थी। तो ये देखें सेम अच्छी बीच वाली निकली है। और आप लोग सब ठीक ठाक है? अभी आपको सेम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सेम है, ये देख लें, अच्छी बीज भी है। और देखें आज मैंने अपने नाखूनों पे अर्क लगाया है, अर्क लगाना चाहिए, अच्छे लगते हैं। बीज है, देखिए सब में बीज है, मुझे इनके बीज बहुत अच्छे लगते हैं। चलें सब्जी बनाते हैं और जैसी रेसिपी शुरू करेंगे फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ये देख लीजिए यूट्यूब फैमिली, हमारी सारी सब्जी बन चुकी है। ये देख लें माशाल्लाह से बीज इतने अच्छे निकले हैं इसके अंदर से। ये देखें ज़बरदस्त, थोड़ी सी रह गई बस सब्जी, ज़रा सी रह गई वो, तो आलू काटेंगे। फिर अभी हमारा पानी बन जाएगा, हम पानी भरेंगे। ये देख लीजिए मैं सब आलू बनाना शुरू कर दिया। अब मैंने आधी डरी प्याज के लिए थोड़ा सा जीरा डाला है, जैसे हमारे प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और मसालों में हमारे मसाले वही हैं, दो टमाटर लिए, हरी मिर्चें लिए, हल्दी है, कुटी मिर्चें, नमक है, बस। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मसाला भी डाल दिए, थोड़ा मसाला भून गया, फिर आपको सब्जी डाल के दिखा। ये देख लीजिए मसाला हमारा तैयार हो गया, अब इस मसाले में हम सब्जी डालेंगे। अभी थोड़ी देर सी टमाटरों में पकाएंगे, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि हमारे बीज गल जाएं और आलू भी साथ साथ गल जाएं। चलें जैसे सब्ज़ी आगे तैयार होती है फिर हम आपको दिखाते हैं। आपको इतना ना कलर तो अच्छा लग रहा होगा सालन का। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल फ्राई पे आ गई है और बीज भी हमारे गल गए, आलू भी गल गए। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, आपको मिक्स करके दिखाते हैं। हरा धनिया मिक्स करते हैं।
आज तो माशाल्लाह से बीज भी बहुत अच्छे निकले हैं, मज़े मज़े के। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आज मैंने आपके साथ वो सेम आलू की सब्जी शेयर करी है। सेम ना मेरा मुश्किल से मेरे मुंह पे चढ़ता है। चले थोड़ा सा बस इसको हम दम पे रखेंगे ताकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। बीज देखें तो प्यारे लग रहे हैं, यमी यमी से। और अब मैंने साइड पे यहाँ पे आटा गुनना शुरू कर दिया है। देखिए हमारा आटा रखा हुआ है, थोड़ी रोटियाँ रखी हुई हैं, थोड़ा सा बस आटा गुनेंगे। और यहाँ पे मेरे अदरक लहसुन ख़त्म हो गया था तो मैं अभी ना अदरक लहसुन मैंने थोड़ा सा तोड़ा है। अब इसको हल्का सा भिगो के फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अभी थोड़ा छिलने में टाइम लगेगा क्योंकि देसी लहसुन छोटा वाला लिया है और मैं यही ग्लेंड करती हूँ क्योंकि ये हरा नहीं पड़ता पिसने के बाद ना, जैसा पिसा हुआ था वैसे ही रहता है। चलो जैसे मैं ना आटा गुन लूँ मैं, फिर अदरक लहसुन ब्लेंड करेंगे फिर आपको दिखाऊंगी। ये अदरक लहसुन मैंने छील लिया है, अभी जैसे आपको बताया था अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम इसे ग्लेंडर में डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा ना हमने रख लिया, ये देख लीजिए इस तरह पिसा ही है। अभी मैं सब निकाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। बर्नी में डाल लिया अदरक लहसुन, ये देखिए इतना। ये हमारा देसी लहसुन और अदरक। चलिए अभी हम रोटी बनाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये देख लीजिए यूट्यूब फैमिली, मेरी सब तकरीबन रोटी पक चुकी है। एक मैंने पराठा बनाया है इनके ले जाने के लिए, और ना सब्जी का पराठा बहुत मजे का लगता है, सेम आलू के साथ बहुत मज़ा देता है। और जिनको चाय पीनी है तो भी चाय पी लीजिए। मेरे पापा चाय की चाय भी बना दिए, इधर अब्दाल सौ के उड़ गए अभी। और हमारी यूट्यूब फैमिली को जिसको पराठा खाना है हमारे घर आ गए, थोड़ा सी किनारे सेक ले, शुक्र है गैस आ रही है। मेरे यूट्यूब फैमिली इसके साथ आज ही कोई इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। आपके साथ मेरे से माली शेयर करेंगे और ये मज़ा सा पराठा मेरे इसके साथ इजाज़ दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा।